मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की बोली संतुलित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन शब्दों में पप्पू, गोदी, फेंकू, झूठा, बंटाधार, मंदबुद्धि और मामू जैसे शब्दों पर बैन लग गया है। विधानसभा में कई बार विधायक ऐसे अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। अब विधानसभा सचिवालय सदन में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें सभ्य भाषा का सूचक नहीं माना जाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा में विधायकों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कार्यवाही की किताब से बहुत से शब्दों को हटाना होगा। ये फैसला लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षों में कई बार नोकझोंक हो जाती है, जिसके चलते विधायक अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बता दें, हाल ही में संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल वर्जित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस बात की जानकारी दी कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा में भी विधायकों को यह पाठ पढ़ाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बातचीत की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य या हम कहें कि माननीय नेता या बड़बोले नेता अब पप्पू बंटाधार जैसे वर्णों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में एक शब्दावली आने वाली है जिसमें इन शब्दों पर रोक लगाई जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सर हैं। सर, किस तरीके की शब्दावली आने वाली है और किन किन वर्णों पर रोक लगाई जाएगी? जो दो तरह के शब्द हैं ना, एक शब्द कई बार बोलचाल की भाषा में उपयोग होते हैं, पर जब समाज के भीतर हम खड़े होते हैं या कहीं ऐसी जगह में खड़े होते हैं जहां वाकई में वहां से एक संदेश निकलता है, वहां उन्हीं शब्दों का उपयोग नहीं करना। ऐसा करके एक परंपरा भी है और नैतिकता भी है, इसलिए ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो कई बार आए हैं विधानसभा में, जिनको बार बार विलोपित करना पड़ता है। कुछ पहले से शब्द बने हुए हैं, लोकसभा ने पहले से करके रखा है, उन सबको निकाल करके एक शब्दावली की सूची तैयार की है और उसमें प्रकाशन की प्रक्रिया में इसी सत्र में अपन उसको वितरित करेंगे और प्रशिक्षण जैसे विधायकों का उसी में बांट करके उनसे आग्रह करेंगे कि इन शब्दों का उपयोग नहीं करें। इसलिए खुद को अपने को आचरण को ठीक करना, अपने आचरण से ही विधानसभा के भीतर उन शब्दों का जब हम चयन करेंगे तो एक तो हमारा जो मैंने विधानसभा का जो हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है उसमें चार चांद लगाएंगे और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा करें ट्रेनिंग में क्या कुछ और भी चीज़ें रहेंगी जिस तरीके से शब्दावली की तो आपने बात करी? शब्दावली तो एक विषय है, उसमें ट्रेनिंग में होता है कि नए विधायकों को बजटी कैसे प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कैसे करना, विधानसभा के भीतर आचरण कैसे करना, ये तमाम सारे विषय होते हैं जो हमेशा होते रहे उन्हीं विषयों पर करेंगे। ये विशेष विषय रहेंगे इस तरह का कि ये भी आचरण संबंधी भी कुछ बात होनी चाहिए उसमें। आखिरी सवाल है कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है, लेकिन कुछ विधायक जो हैं, कुछ सदस्य जो हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो क्या उनको अनुमति दी जाएगी अंदर आने की? नहीं, विधायक को अपन रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको विधानसभा में प्रवेश करना, विधानसभा को उसकी वाक स्वतंत्रता है, वो भी उसका अधिकार है। इनको रोकने का मतलब कि उसके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, परंतु उसे आग्रह तो कर सकते हैं ना कि भाई कम से कम एक उदाहरण प्रस्तुत करें आप। जब हम पूरी शक्ति कर रहे हैं कि विधानसभा में बिना वैक्सीन के हम किसी को नहीं आने देंगे, तो उसमें उनके भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा उन्हीं से सबसे मिलकर चलनी है, और यदि वो सब मिल करके काम नहीं करेंगे तो विधानसभा चलेगी कैसे? ये थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सर, जिनका कहना है कि जो शब्दावली लाई जा रही है इसका उद्देश्य ये है कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान जो शब्दों का प्रयोग हो वो एक उदाहरण पेश करे बाहर। उसके साथ ही उनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन जिन सदस्यों का नहीं हुआ है उसके लिए विधानसभा में एक अलग से सेंटर लगाया जाएगा, वो वहाँ पर भी आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं और फिर उसके बाद अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।